देखिए बिहार में पूरी तरीके से छलतकारी जो है सरकार में वो बलात्कारियों का संरक्षण कर रहे हैं और बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। उप मुख्यमंत्री सफारी में घूम रहे बंगाली और बिहार के मुख्यमंत्री जो है हरियाली यात्रा में घूम रहे हैं। और ये आपने देखा हो जो हैदराबाद में जो घटना हुई उसके बाद ठीक जो है बक्सर में वैसे ही हादसा हुआ, ठीक उसके अगले दिन समस्तीपुर में और कल जो सूचना मिली मुजफ्फरपुर में घर में घुस करके जो है बलात्कार की कोशिश किया, नाकामयाब होने पे आग से जला दिया गया। तो बिहार में जो लोग कानून और सुशासन की जो लोग बात करते थे, आप देखिएगा पूरी तरीके से बिहार में अपराधी जो है बेलगाम है, पुलिस का भय नहीं रह गया। अब मुख्यमंत्री को हमने पहले भी सलाह दी थी, आप हरियाली यात्रा से पहले अपराध हटाओ यात्रा पे जाते, बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे जाते, विकास का कोई काम नहीं हो रहा। और ऐसा प्रतीत हो रहा कि नीतीश कुमार जी की जो पूंजी रह गई है वो सिर्फ और सिर्फ बलात्कार लूट हत्या यही रह गया है। नागरिक संशोधन नहीं, इसमें तो हम लोग पूरी तरीके से हम लोगों का क्लियर स्टैंड। माइक नीचे करो। लेकिन जो लोग कैसे नीचे होगा इसके पक्ष में बोला करते थे, आज कहीं ना कहीं से आप देखिएगा एनआरसी के मुद्दे पे वो चुप हैं, खामोश हैं। अब पार्लियामेंट में उनका क्या स्टैंड रहेगा, अभी तो पार्लियामेंट में बहस चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी को तो पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था कि इनका स्टैंड क्या होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बहाना, उन्होंने वॉकआउट मत करना, हम सब जवाब देंगे। अब जवाब देंगे नहीं देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी जो पब्लिक से जो कमिटमेंट था, जो विचारधारा की जो राजनीति करते थे, आज फिर से पलटी मार गए। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए। यही तो कहना, बिहार में बलात्कार है, भ्रष्टाचार है, बिहार के लोगों में जितनी बेरोजगारी है, एक बेरोजगारी का केंद्र बन गया है, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट है, और मुख्यमंत्री जो है अपनी कुर्सी की चिंता कर रहे हैं, विचार और नीति का समझौता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से जनता सब देख रही है और नीतीश कुमार जी से बिहार एकदम नहीं संभल रहा।